अभी बताओ बद्रीनाथ केदारनाथ का आपका जो भी, अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जाएंगे उधर साथ जाने वहाँ साक्षात। यदि आप मन से जाते हो तो भगवान नारायण साक्षात है, बाकी हवा है ना इसमें अंदर वो सांस ली जाती है जिसमें से लगता है कि एकदम भगवान ने ये मानवता दिया है। मैं तो मानवता का धर्म फर्ज सब निभाना चाहिए, किसी के लिए करो तो मन से करो, दिखाओ के लिए नहीं। बिल्कुल जाइए, भगवान ने मानव यूनियन में दी है, जाके फिर हमको वापस आना पड़ेगा, नेक्स्ट विजिट करना पड़ेगा। अभी क्या घाई घाई में आ गए ना एक दिन के लिए, तो कल काम पे भी जाना है, बिल्कुल तो वापस जाएंगे, फिर आएंगे एक छुट्टी लेके जाना जरूर, तो स्पेशल सीधा उधर जाएंगे डायरेक्टली। बिल्कुल जाना आप, आपको वहाँ जाओगे तो मुझे ऐसे ऐसे लोग जब यहाँ वहाँ से आते हैं तो मुझे पूछते आप वहाँ के हैं तो वहाँ क्यों नहीं रही हो आप। अच्छा। मैं तो मेरा घर घास सब यही, मेरे बच्चों को पढ़ाने लिखाने, वहाँ बर्फ़ गिरती है तो थोड़ा परेशानी होती है। जब आप लोग जाएंगे तो हमारा वहाँ के लोगों का भले सच्चाई बोलने में को नहीं, आप लोग जाते तो हमारा वहाँ अन्न जल पाने का व्यवस्था होती है, साफ सीधी बात है। और भगवान के नारायण में भगवान ने जो सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, सबके लिए जरिया बनाया है। हम वहाँ जन्म लिया, मैं तो भगवान वहाँ बसे कि इनका दाना पानी कहाँ से चलेगा, बहुत गाँव है वहाँ, जो आपको कोई पानी पिलाता है, किसी के होटल को रखे, कोई कंडी होती है ना, घोड़े खच्चर पालते हैं, ऐसा करते हैं वहाँ से। बट जब वहाँ टूरिस्ट जाएगा तो वहाँ कोई साथ कोई खेती बाड़ी नहीं होती है, बर्फ गिरता है। तो दिवाली के बाद बंद होता है क्या मंदिर? हाँ, दिवाली के बाद कपाट बंद हो जाते हैं, बर्फ गिरना चालू होता है। हाँ, बर्फ गिरना चालू हो जाता है। तो कब तक बंद रहते हो वो कपाट? देखो दिन लगता है उसका, पेपर में भी आता है, विधि विधानों के द्वारा कपाट खुलता है, बंद होता है, तो अक्टूबर दिवाली तक ही वो उसका दिन निकल जाता है। तो आप लोग को गाँव जाने का वो जा सकते हैं, खाली मंदिर वगैरह बंद रहेगा वो केदारनाथ बंद। देखो बहुत कोसों दूर बंद हो जाते हैं, भगवान नारायण गोरी गोरी कुंड आ जाते हैं जब कपाट बंद होता है, जो मूर्ति होती है जिसकी पूजा होती है तो गोरी कुंड में होती है ना, इसलिए आपको जब यात्रा करनी है तो मई जून में करिए आप। मई जून एकदम अच्छा समय होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो जीरो रहता है, बारह मास जीरो टेम्परेचर रहता है। जून में जीरो टेम्परेचर मिलेगा जून में, जून में यहाँ जो एसी से जाते हैं वहाँ कम्बल लेके जाते हैं। तो अभी खुलता कब से? अभी खुला है वो तो नहीं, मतलब कब से खुला होगा? अभी देखो कपाट बंद अक्टूबर में होगा, अभी खुला है, छः महीने खुला रहता है, छः महीने खुला, छः महीना बंद। वही मेरा एक भाई आया था इधर, तो अभी मेरा स्टेटस देखा तो वो बोला कि केदारनाथ भी जाके आओ, दिवाली से बंद होने वाला है। अभी जाइए आप यहाँ बस अड्डे से टिकट लीजिए, लेकिन सुबह जाती डाक बस से जाती है ना, सोन प्रयाग वाली सुबह जाती है, एक रुद्रप्रयाग संगम है, वहाँ से इस तरफ को बद्रीनाथ की रोड जाती, गंगा पार मंदाकिनी की तरफ, और उधर वहाँ से दो दिशाएँ अलग अलग होती है, बद्रीनाथ मंदिर तक गाड़ी है वहाँ पास है, केदारनाथ दूर है, अलग अलग दिशाएँ हो जाती है रुद्रप्रयाग संगम से। पहले केदारनाथ पड़ता है ना? पहले यहाँ से जाओगे आप तो रुद्रप्रयाग पड़ेगा, रुद्रप्रयाग से दो जगह है अलग अलग पड़ता है, वहाँ से चाहे आप बद्रीनाथ जाओ चाहे केदारनाथ, अलग अलग रूट है, पर जगह रुद्रप्रयाग से ही नीचे ऋषिकेश को रूट आता है, अलग अलग जगह है वो। दोनों में कितना डिस्टेंस होगा केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना? पाँच साढ़े पाँच घंटे का चल के जाना पड़ेगा गाड़ी से। वहाँ गाड़ियाँ है बद्रीनाथ मंदिर तक गाड़ी है। अच्छा, केदार बाबा जाना है वहाँ पैदल है, पैदल जाना, 16 किलोमीटर पैदल यात्रा है। चलो फिर हम आएंगे बाद में, अभी तो एक हफ्ते बाद छुट्टी लेके जाएंगे बॉम्बे हमारा गणपति के लिए। यहाँ छोड़ के आपको लगा था आप आगे से घूम जाओ, अब जब आप जा रहे हो ना आप यहाँ राम झूला जाओ, वहाँ से राम झूला जाना, चौदह मंदिर जाना, बस सुबह जाना, बासठ कुटिया जाना, भैरवनाथ जी का मंदिर जाना, रुद्राज जी का मंदिर जाना, ये विठल आश्रम जाना, देखने लायक है ये गंगा नाना पूरा गंगा घाट सप्तान घाट है, वहाँ पे नाना धोना बड़ा अच्छा है। मन से यदि आप आए हो तो मन से ही आए, अभी क्या है बिल्कुल हम लोग का भी श्रावण चल रहा है, ये वीक लास्ट है, आने वाले सैटरडे को श्रावण खत्म हो जाएगा, आप लोग का इधर का तो 15 दिन पहले खत्म हो जाता है रक्षाबंधन को ना, रक्षाबंधन को हाँ, तो हमारा नहीं, पर लेकिन हमारा जो ये भाद्र पक्ष ये पक्ष चल रहा है ना इसमें हाँ तुम्हारा अमावस्या, लेकिन हम मानते ऐसा नहीं कि नहीं मानते, मास्क आजकल हुई जो श्रावण में हमारा तीज
व्रत व्रत चलता है, ये अभी भी व्रत चल रहे चल रहे हैं, हाँ मानते हैं हम भी है। कुछ कुछ रीति रिवाजों के हिसाब से हटके है, मैं तो मानते हटे मान रहा हूँ ना, गंगा नहाना गंगा दर्शन करना ये सब हमने भी है। वही हमारा ये श्रावण चल रहा है तो सोचा चलो श्रावण में इतना नजदीक है दिल्ली में तो जाके आते हैं ऋषिकेश हरिद्वार। बहुत अच्छा करा आपने, जो भी इस वीडियो को देखेगा सुनेगा ये जाएगा मेरे यूट्यूब के चैनल पे, तहे दिल से सब सब कोटि कोटि प्रणाम भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ उन पे कृपा बना के रखे, उनके बाल बच्चे कुटुंब परिवार नाते जितने भी हैं सब सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कुशला सुखी रखें सदा निरोगी रहे और सब अच्छा करें, जाने अनजाने में हे प्रभु हे नारायण हे नाथ हमारी मानवता यूँ नहीं मिली है, गलती होती होगी मगर जान करके भी कोई मेरे भाई इष्ट मित्र गण जो भी है कभी कोई गलत काम ना करे और न किसी को ये प्रेरणा दे, हो सके सबके लिए अच्छा करे अच्छा सोचे अच्छा, अच्छा। बस यही हमारा मानवता का धर्म भी है और फर्ज भी है। ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट।